मैं शोभना पांडे आईपीएस ऑफिसर। बचपन में मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहती थी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पापा गांव के एक हेडमास्टर थे, वो गांव में गांव वालों को शिक्षित करना चाहते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये टीचिंग प्रोफेशन को चुना। पर कुछ लोगों ने मिलकर उनको झूठे केस में फंसा दिया, झूठे सबूतों के आधार पर, झूठे गवाहों के आधार पर मुकदमा चले और मेरे पापा को 2 साल की सजा हुई। हमने बहुत कोशिश की, उनको बचाने की, पर ऐसा हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। मेरे पापा ये दुख सहन नहीं कर पाए और फांसी लगा ली। पर फांसी लगाने से पहले उन्होंने खत में 2 लाइन लिख के गए, बेटा मैं हार गया, तेरे बाबा तेरे लायक नहीं। उस दिन से मैंने कसम खा लिया था कि जिन्होंने मेरे बाबा के साथ ये किया है मैं उसका बदला लेकर आऊंगी। फिर क्या था, मेरी सफर वहीं से शुरू हुआ। मैं दिल्ली चली गई अपने मामा के लिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करी, आईएएस आईपीएस की डिग्री ली। फिर अपनी जो ट्रांसफर है वो मैंने इसी गांव में किया जहां जहां मेरे बाबा को फंसाया गया था और उन झूठे और मक्कार को सजा दिलाना मेरा मकसद था। फिर क्या, उसी के आधार पर मैंने उनको सजा दिलाया और खाली वक्त पे मैं अपने बाबा की अधूरा सपना पूरा करती हूँ। मैं बाबा को बहुत मिस करती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। आज मेरे पापा के साथ जो हुआ ये मेरा वचन है इस गांव वालों के साथ, मैं आगे से किसी और के साथ इस तरह की घिनौने वादा नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है सबसे।